जी नमस्कार, आज अष्टमी है और महिलाओं का सबसे बड़ा शक्ति और जो नवरात्रि चल रहा है, आज पूरे भारत को एक शुभकामना के साथ देना चाहती है हमारी महिलाएं। हमारे देश की परंपरा जो है वैदिक कालों से चला आ रहा है, सांस्कृतिक रीति रिवाज में बंधे हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि उनके अंदर क्या सोच विचार है, जो जिस तरह से वैदिक कालों से आ रहा है यह सोच विचार नवरात्र का शुभकामना आज चल रहा है पूरे भारत को, पूरे विश्व को। आज शांति के लिए हिंदू समाज जो है यही चाहता है कि पूरा विश्व हमारा एक प्रिय दोस्त हो और सभी लोग जो है हमारे साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलें। भारत की रीति रिवाज सांस्कृतिक जो है जिस तरह से सबसे बड़ा है और भी सीखने की ज़रूरत है पूरे ग्लोबल को। तो आइए हम जानते हैं, हमारे साथ सीनियर सिटीजन हैं और महिलाएं हैं, और मैं जानूंगा कि उनका क्या जो है राय है नवरात्रि के लेकर, क्या शुभकामना देना चाहती हैं। जी क्या नाम माता जी? मेरा नाम मिशेल समादार। जी कहाँ से आई हो आप? हम फरीदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद से इतने दूर से आप आई हो, एक माता रानी का कृपा है जो कि यहाँ पे आई हो दर्शन कर लिए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? ये हमारा परंपरा है जो दुर्गा पूजा, माता जो दुर्गा माँ जो है, और इसी मतलब षष्ठी से लेकर दशहरा तक हमारे पास रहते हैं, मतलब पियर आते हैं, मायके आते हैं, तो इस टाइम हम लोग उनको बहुत अच्छा से स्वागत करते हैं, अच्छे अच्छे खाना पकवान खिलाते हैं और उनको हम सब पूछते हैं। जी माता जी आप ये बताइए, जिस तरह से आज दिल्ली में फरीदाबाद से यहाँ आई हो, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आप जो है यहाँ पर अपनी सवारी लेकर, और क्या कलकत्ता भी सबसे बड़ा जो है दुर्गा पूजा मनाया जाता है, क्या आप वहाँ भी जाती हो? हाँ वहाँ पे भी जाते हैं, पूरे विश्व में होते हैं, जहाँ जहाँ बंगाली होते हैं वहीं हर एक जगह यही पूजा होते हैं, चाहे कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो अपना ये घाट स्थापित करके उनको पूछते हैं। पूजा हमारा ये लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी और क्या कहना चाहती, चलती चलती आज देश दुनिया को जिस तरह से आज पूरा भारत एक शक्ति के रूप में देख रहा है, सुपर पावर के रूप में देख रहा है, मोदी जी को सबसे अच्छे जो है विश्व का सबसे बड़ा सुपर पावर, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? आप एक सीनियर सिटीजन हैं। ये बहुत अच्छा है जो हमारे लिए मोदी जी बहुत हमारा भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री आज तक हमारा इंडिया में नहीं आए। जी आज जिस तरह से हमारे जो है महिलाओं का सोच है, हमारे सीनियर सिटीजन का सोच है कि जिस तरह से मोदी जी हैं, आज इस तरह का कोई प्रधानमंत्री हमें मिला ही नहीं, क्योंकि एक डायमंड के रूप में मोदी जी उभर कर आए हैं। मैं और भी जानेंगे, हमारे साथ महिलाएं हैं। जी क्या नाम है जी आपका? मैं मिसेस काजल रॉय बोल रही हूँ। जी काजल जी आप बताइए, जिस तरह से आप यहाँ आई है कितना अच्छा लग रहा है आपको? हम पूरे साल इसी दिन के इसी त्यौहार के लिए वेट करते हैं। इस साल हम अपने सारे रिलेटिव्स और सारे बंधु और सारे परिवार को लेके ये त्यौहार हम सब मनाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये मनाते हैं। हम तैयारी एक एक महीने से पहले से शुरू कर देते हैं, अपने कपड़े, अपने कैसे हम किस किस जगह जाएंगे, किस मिलेंगे, और पुराने पुराने दोस्त मिल जाते हैं, तो हर साल आता है, लेकिन हर साल उसी उल्लास से हम ये त्यौहार मनाते हैं। जी काजल जी हम एक और जानना चाहते हैं, जिस तरह से जोर शोर के साथ कलकत्ता में दुर्गा पूजा बहुत अच्छा शानदार से मनाया जाता है, सुंदर सुंदर जो है वहाँ पे यहाँ पंडाल लगाए जाते हैं, पैसे भी अच्छे खर्च करते हैं लोग, और इस तरह से और भारत में जो है जगह पर जैसे मान लीजिए और भी जो है राज्य हैं दुर्गा पूजा नहीं उतना पंडाल सजाते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? शुभकामना की और जो सोच बढ़ाने तो दुर्गा पूजा के लिए फेमस है ही है, वो लोग पंडाल में ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ दिल्ली में या दूसरे मुंबई में जितने मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे बंगालीज लोग ज़रूर और ज़रूर, अगर 5 बंगालीज भी होंगे तो मिलके ये त्यौहार ज़रूर मनाएंगे। जी हाँ, जिस तरह से कह रही हैं कि काजल जी 5 बंगाली भी हैं तब भी ज़ोर शोर के साथ काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, 1-2 लाख भी खर्च करते हैं केवल पंडाल में। तो आइए हमारे साथ और भी ऐसे है लोग हैं जो जानेंगे किस तरह से जानते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? माधव रॉय। जी राय जी आप ये बताइए, जिस तरह से आप यहाँ आए हैं कितना खुश हैं आप पूरे परिवार के साथ यहाँ आए हैं? परिवार के साथ हम लोग षष्ठी सप्तमी अष्टमी और नवमी और दशमी का त्यौहार हम उल्लास से मनाते हैं और ये परिवार के साथ ही मनाया जाता है और हम परिवार के साथ एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, प्लस हम अलग अलग पंडाल में जाते हैं, उनके अरेंजमेंट्स जो होता है उसको एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ मिलके उसको त्यौहार को मनाया जाता है।
और बंगाली का जो कास्ट है, और इसी समय सारे के सारे परिवार और परिवार के दोस्त सब इकट्ठा होकर ये त्यौहार को मनाया जाता है। और क्या कहना चाहते हैं सर, जिस तरह से पॉलीथीन बंद किया गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज तो जिस तरह से इन्वायरमेंट का कंडीशन है पूरे विश्व में, आज हम यही कहेंगे कि ऑर्गेनिक को बढ़ाया जाए, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ इन्वायरमेंट से जो रिक्वायरमेंट है वो मिल पाए और हेल्थ हैजार्ड्स को कम किया जाए। जी, स्वच्छता लेके आप क्या शुभकामना देना चाहती हैं सर? स्वच्छता के ऊपर तो हम कहेंगे कि स्वच्छ भारत, और जिस तरह से मोदी जी ने इस इनिशिएटिव को लिया है पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में स्वच्छता के ऊपर, वो सराहनीय है। और हम आशा करेंगे कि और भी इस तरह की एक्टिविटीज़ और चीज़ें लेके आए मोदी सरकार, जिससे हम लोग, हमारे परिवार और हमारे जो बच्चे हैं उनको नए एनवायरनमेंट मिल पाए। जी जी, चलते चलते आप दुर्गा पूजा को लेके शुभकामना दीजिए और बढ़ावा मिले और लोग जो है ज़ोर शोर से मनाने की जरूरत। हमारी आशा और हमारे परिवार का हमारे पर आशीर्वाद रहे, और हम आशा करते हैं कि सारे लोग सुख शांति से इस त्यौहार। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।